ये आप देखो, देखो वहाँ पे भाइयों किसान भाई खड़े हुए हैं, डीलर साहब भी खड़े हुए हैं। ये भाइयों गहराई आप चेक करो इसकी, नापो एक बार। नाम निकालो बाहर, इतनी गहराई लेकर चल रहा लगभग एक बिलान दे लगभग। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था VST शक्ति जो 224 है उसका रूटावेटर के ऊपर परफॉर्मेंस। इस वीडियो में आप देखोगे VST शक्ति 927 का जो कि 27 HP का ट्रैक्टर है 4 सिलेंडर के अंदर, इसका परफॉर्मेंस कल्टीवेटर के ऊपर किस तरीके का कैसा है, सारी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ वीडियो के लास्ट में किसान भाई के साथ भी मैं आपकी मुलाकात जो परिचय है वो भी कराऊंगा। 927 है, 27 HP के अंदर है भाई। वो ट्रैक्टर का डिज़ाइन आप चेक करो, कितना ही बेहतरीन डिज़ाइन कंपनी ने बनाया है। न्यूली लॉन्च ट्रैक्टर है भाइयों ये, और इसका जो परफॉर्मेंस है ना आज आपको वो दिखा रहा हूँ। किसान के खेत पर हूँ, किसान के फील्ड पर, और इनका जो गन्ना आप देख रहे हो ये रिंग पिट मेथड से बोया हुआ गन्ना है। भाइयों ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है ना वो आप चेक करो, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। देखो 5 पाली के कल्टीवेटर हैं, और ट्रैक्टर जो है ना भाई वो 4-व्हील ड्राइव है, और देखो किस तरीके से भागने लग रहा है इन कल्टीवेटर के ऊपर। और ट्रैक्टर का भाई वो पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने खुद चलाकर देखा है, आपको छोटी मोटी क्लिप मैं वीडियो में दे दूंगा, देख लेना आप भी। बहुत ज़बरदस्त पिकअप है ट्रैक्टर का, अपनी श्रेणी में बात करूँ तो बेस्ट है ट्रैक्टर एकदम। ये देखो पिकअप देखो आप ट्रैक्टर का, अगले भैये हवा में चले जाते हैं अगर आपने झटके से क्लच छोड़ दिया। ये देखो पिकअप देखो भाइयों, किसान भाई चला रहे हैं, इन्होंने पहले नहीं चलाया ये ट्रैक्टर, फर्स्ट टाइम ट्राई ले रहे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों को समझना और सीखना थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो भाइयों हाथ बैठने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और ये आप ट्रैक्टर देखो कितना ही बेहतरीन है, लुक देखो इसका कितना प्यारा बनाया है कंपनी ने। लुक के साथ साथ भाइयों चीज़ भी है वैसी, 4 सिलेंडर के इंजन के साथ में है ये। ये देखो भाई आप ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखो, देखो बिना जुता हुआ खेत है, बारिश हुई हुई है, कलर खेत है बिल्कुल। और परफॉर्मेंस चेक करो आप ट्रैक्टर का, जो फालियां है ना भाई वो देखो नीचे मिलके चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग है ना वो भी मिट्टी के साथ में अड़के चल रही है। भाइयो आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका परफॉर्मेंस, वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दे सकते हो। भाइयो ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस आप चेक करो कितना जबरदस्त है परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का। ये देखो भाई के फर्स्ट गियर में चल रहा है, भाइयो भाग रहा है बिल्कुल टीलर के ऊपर भी। ये देखो जबकि टीलर भी जो बड़े कल्टीवेटर आते हैं ना 9 फाली के 11 फाली के, उसी वही वाली टाइन है इसके अंदर, जो टाइन है भले ही ये 5 फाली का है लेकिन जो फालियां हैं वो लंबी हैं बड़े कल्टीवेटर की बराबर हैं। ये भाइयों परफॉर्मेंस आप चेक करो, और सेंसिंग देखो भाइयों, सेंसिंग कितनी ज़बरदस्त कर रहा है। ये देखो लिफ्ट बिल्कुल झटका लेकर चल रही है। ये देखो मैं अगर कहूँ ना कि बड़े ट्रैक्टर से भी थोड़ा 21 ही सेंसिंग कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है कहना, ये आप चेक करो। बाकी परफॉर्मेंस इसका किस तरीके का है आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में भाई वो लिख जरूर देना, अपनी राय जरूर दे देना कमेंट में नीचे। तो दोस्तों अब तक आपने वीडियो के अंदर
दोनों ही ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखा, किस तरीके का था, कैसा था, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद देख लिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आपको परफॉर्मेंस किस तरीके का लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, जैसा भी लगा आप अपनी राय जरूर साझा करें। किसान भाइयों, ये हमारे बलराज जी हैं दादूपुर नीला से, उनके पिताजी हैं, बाकी किसान हैं। सबसे बड़ी जो मैं चीज़ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बुलंदशहर में रिंग फिट विधि से 1% भी लोग बाग नहीं कर, इसलिए क्योंकि ये बहुत जागरूक है, एडीओ एग्रीकल्चर रहे हैं सिकंदराबाद, तो जिसकी वजह से वो इस चीज को आगे लेके आ रहे हैं। इन्होंने ट्रेंच कराई है, जैसे कि हम ट्रेंच की बात करें तो ट्रेंच विधि भी हमारे यहाँ मुश्किल से हार्डली 20% से नीचे है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के जागरूक लोग हैं, जागरूक किसान हैं। क्यों? क्योंकि वेल एजुकेटेड है, अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, तो उस और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से हैं, तो इसलिए उस चीज़ को लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बार आप जो किसान भाई हमारे आपको देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय आप उन्हें करा दें। मेरा नाम कृष्ण गोपाल यादव जी, मैं सहायक विकास अधिकारी जी, रिटायर्ड जो है सिकंदराबाद, और अपने घर पर ही खेती का काम देख रहा हूँ। पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आपका इस ट्रैक्टर को लेने का या फिर इसका डेमो लेने का विचार कैसे बना? इससे पहले कोई और भी देखा आपने या फर्स्ट टाइम आप इसका डेमो ले रहे हो? इससे पहले मैंने नहीं देखा जो है, लेकिन हमारे पास जो है वीडर था, लेकिन वीडर को चलाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, लंबी खेती है, तो इस वजह से ये विचार आया कि ट्रैक्टर उचित रहेगा वीडर के मुकाबले। हालांकि मैंने वीडर पिछले साल लिया था और चला भी रहा हूँ, लेकिन ट्रैक्टर ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अच्छी डिस्टेंस अगर इसके हिसाब से छोड़ी जाए तो रिंग पिट मेथड में बहुत ही फर्स्ट क्लास ट्रैक्टर का इस्तेमाल रहेगा जो है, और इसको इसी वजह से मेरा मन जो है इसको लेने के लिए कर लेने रहा का करा। हाँ जी, तो जैसे आपने ये डेमो के लिए आज खेत के अंदर दोनों ट्रैक्टर बुलाए हैं, क्या इससे पहले आपने किसी और कंपनी का डेमो लिया है? और किसी कंपनी का फर्स्ट टाइम आप इसी का ले रहे हो? तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ट्रैक्टर का दोनों का आपने परफॉर्मेंस देखा, काम देखा कि उसका रोटावेटर के ऊपर देख लिया, इसका आपने कल्टीवेटर के ऊपर देख लिया, तो सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को हमारे ये बताइए दोनों का काम आपको कैसा लगा? दोनों का काम मुझे बहुत अच्छा लगा जो है, वो भी अपनी जगह अपनी ठीक है और ये भी अपनी जगह ठीक। एक चीज और बताओ, जैसे कि काम आपने इसका भी देखा, काम उसका भी देखा, काम तो काम में कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा? दरअसल हॉर्स पावर इसकी ज्यादा है, तो मैं काम में थोड़ा सा ये है, और दूसरे ये है क्योंकि मेरे यहाँ जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, हमारे पास जो पहले से ही दो ट्रैक्टर है जो है, तो उसके गियर जो है इसके साइड में है और उसके वो उसी तरीके से है, सादे गियर है, उसको चलाने में उसको दिक्कत नहीं होगी हमारे बच्चे को जो है, तो इस वजह से मुझे इसके मुकाबले में वो पसंद है, क्योंकि उसके गियर जो है बीच में है, क्योंकि उसका हाथ कटा हुआ है, इस वजह से भी एक हाथ से ही वो ट्रैक्टर चलाता है। जी जी जी, बाकी ट्रैक्टर जो है अपनी जगह दोनों ही बढ़िया है, अपनी जगह दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। थोड़ा सा आप भी हमारे किसान भाइयों को बताइए, आपने भी जैसे कि परफॉर्मेंस दोनों का देखा, भैया ने चला के देखा है, आपने चला कर भी देखा है दोनों? मुझे दोनों ट्रैक्टर, मेरा नाम बलराज यादव है, मैं गाँव दादूपुर का ही रहने वाला हूँ, मैंने दोनों ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस देखी, दोनों ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस अपनी जगह कंपैरेटिवली अच्छी है, और मैं अगर देखूं एज पर डिमांड जैसी मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे छोटे वाले ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, और जिसके लिए मतलब यह है कि एक छोटे किसान के लिए पर्याप्त ट्रैक्टर है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपने डेमो के लिए ये बुलाया, तो क्या इस कैटेगरी में या इस रेंज में आपने किसी और कंपनी का भी देखा ट्रैक्टर? मैंने देखा ट्रैक्टर इससे पहले मैंने ट्रैक्टर स्वराज का बुलवा के देखा, 724 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देखा था, उसकी परफॉर्मेंस में और इसकी परफॉर्मेंस में जमीन और आसमान का अंतर अच्छा, है। अच्छा, जैसे आप जमीन आसमान का अंतर दोनों के अंदर बता रहे हो, अंतर क्या लगा आपको, कहाँ लगा अंतर? मैं बताता हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर है और जो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कहने को फोर व्हील ड्राइव है, गियर वगैरह की जो शिफ्टिंग है, जो उसकी लीवर की शिफ्टिंग है, दोनों में अंतर है, एक जुगाड़ में और एक सिस्टम में, दोनों चीज़ों में फर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि ट्रैक्टर तो ठीक है अपनी जगह वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुगाड़बाजी है वो लगी आपको? मुझे जुगाड़बाजी लगी। इसका जो काम है, इसका पेटेंट लगा आपको? इसका पेटेंट काम है, इसका पेटेंट काम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो मैंने दोनों को चला के देखा, इसका जो गहराई है, जुताई करने की जो गहराई है, वो लगभग 9 इंच से लेकर 1 फुट तक आ रही है, जबकि आम रोटावेटर जो हम खेतों में चलाते हैं उनकी गहराई मुश्किल 4 से 5 इंच ही रह जाती है। कहने का मतलब है कि मोथे की जो मोथा जो घास होता है उसकी जड़ भी हाथ नहीं आती उनकी। हाँ, उसकी जड़ हाथ नहीं आती, वो तुरंत जैसे निकलता है ट्रैक्टर फिर चौथे दिन वो उगाता है। इसने उखाड़ के फेंक दिया उसको। जी जी, तो ट्रैक्टर अपनी जगह दोनों ही बेस्ट हैं। बेस्ट जी, ड्राइवर साहब से भी थोड़ी सी जानकारी मिलूंगा, जैसे कि इन्होंने भी चलाया, जैसे आपने दोनों ट्रैक्टर चला के देखे, ट्रैक्टर का काम कैसा लगा आपको? काम बढ़िया लगा जी। बढ़िया लगा दोनों? बढ़िया बढ़िया काम कर रहे? बढ़िया काम।
जाएगी। अगर आपके अनुभव से, जैसे कि आप ट्रैक्टर इनके अदर ट्रैक्टर भी चला रहे हो, आपके अनुभव से अगर कोई किसान भाई इसकी इस कंपनी की तरफ जाने का विचार करे, बिल्कुल निष्पक्ष बताओ, तो जा सकता है इसकी तरफ? बिल्कुल जा सकता है। बढ़िया है, बढ़िया। तो भाई देखा आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी ट्रैक्टर का, किसान भाई के साथ भी आपको मैंने परिचय कराया। बाकी अगर आप ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हो या कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो उसके लिए डीलर साहब आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि आप किस तरीके से संपर्क कर सकते हो और कैसे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक्चुअली में हमारे बुलंदशहर में एजेंसी है और आपकी वीडियो के माध्यम से वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप जहाँ चाहें उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में हमसे ट्रैक्टर ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, किसी परेशानी के। आपको हमारी सर्विस, जैसे सुमित जी हम हमेशा कहते आए हैं कि हम हर जगह आपको सर्विस अवेलेबल कराएंगे। अगर किसी वजह से 1% हम नहीं पहुंच रहे तो हमारी कंपनी इस मामले में बहुत अच्छी है। उनके हर तीसरे चौथे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सर्विस इंजीनियर हैं। अगर किसी वजह से हमारा फोरमैन साहब नहीं पहुँच पाते तो वहाँ वो भी सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे 24 घंटे के अंदर। हम ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको किसान की जो दिक्कत है उसको दूर करें और सर्विस तो बिल्कुल घर पे करा रहे हैं। और सुमित जी, जैसे कि लोगों के दिमाग में है कि ये हमारे क्षेत्र में नई कंपनी है, क्योंकि कंपनी को तो 55 साल हो गए हैं, कि इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे या कोई चीज़ नहीं मिलेगी, किसान भाई उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारा डिपो जो है वो बहुत नियर अबाउट है, गाजियाबाद में हमारा डिपो है, जहाँ से, और वो डिपो इतना बड़ा है जहाँ से हमारा 6 स्टेट में अप्रॉक्स वहाँ से सामान जाता है। तो स्पेयर की या किसी भी तरह की या ट्रैक्टर की डिलीवरी देने में, लेने में, क्योंकि डिपो से ट्रैक्टर आते हैं तो हार्डली, अगर कोई मॉडल हमारे पास नहीं है और किसान भाई को चाहिए, हार्डली 3 घंटे के अंदर हम आपको दे सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था VST की, हम लगभग अपनी डीलरशिप से लगभग हम शायद 100 या 150 किलोमीटर अप्रॉक्स 150 किलोमीटर के आसपास किलोमीटर तक जो है इनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, फिलहाल में चल रहे हैं। और किसान भाई के साथ आपकी तब भी मैंने मुलाकात कराई थी, परफॉर्मेंस कैसा था वो आप लोगों ने तब भी देखा था, सारी कुछ चीज़ें जानी थी। नहीं जानी है, जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी है तो वो देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मैं उसका दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। आशीष जी, कोई किसान भाई अगर हमारा आपके पास आता है, वीडियो के माध्यम से आता है, तो मान सम्मान उसके लिए क्या किया जाएगा? सुमित जी, बिल्कुल मान सम्मान दिया जाएगा, पूरा वेलकम होगा, जो आपके माध्यम से आएंगे बिल्कुल उनका ख्याल रखा जाएगा। तो भाइयों, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, काफ़ी लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो में आपको सारी कुछ जानकारी ट्रैक्टर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में मिल गई होगी। बाकी अगर रिव्यू वीडियो आप इसकी देखना चाहते हो तो वो भी ऑलरेडी हमने शूट की हुई है, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी वीडियो को समाप्त यहीं पर करेंगे, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद, नमस्कार।